लोकल मार्केट की इस शॉप से आपको ये सारे प्यारे प्यारे से हैंडबैग्स मिल जाएंगे। इनकी जो प्राइस है 30 रियाल 35 रियाल, और ये आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी दे देते हैं। यहाँ पर ये जितनी भी ये नाइट सूट मैक्सीज वगैरह पड़ी हुई है ये सब की सब आपको मिल जाएंगी 20 रियाल की। पूरी टोटल यहाँ पे ये जितनी भी शॉप है ना ये सारी 20 रियाल में आपको यहाँ से कोई भी चीज लेंगे तो आपको 20 रियाल में मिल जाएगी। लड़कों की ये वाली शर्ट जो है ये सब आपको मिल जाएंगी इस वाली शॉप से 30 रियाल। यहाँ से आपको अबाए भी मिल जाएंगे जिनकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 50 रियाल 40 रियाल 45 रियाल में। यहीं पे जो है ना आपको पूरी बहुत बड़ी मोबाइल मार्केट भी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जी आज हम लोग आए हैं अल अरीका सेंटर में, जद्दा में है ये। इसकी लोकेशन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो बाकी चलते हैं आज इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। मुझे कुछ लोकल चीज़ें चाहिए थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि इस वाली मार्केट से आप लोग क्या चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ से हम लोग इंटर हुए थे यहाँ पे सारी गोल्ड की शॉप्स हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे हमें गोल्ड का बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। बाकी ये है कि जैसे अल बवादी मार्केट मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसी तरह की ये भी एक लोकल मार्केट है। यहाँ से भी आपको लोकल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, इन लोकल मार्केट्स का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जब आप यहाँ पर आते हो ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्काउंट में भी मिल जाती हैं, क्योंकि मॉल्स वगैरह में जो है ना आपको सारी प्राइस जो उन्होंने मेंशन की होती है वहाँ पे आप डिस्काउंट वगैरह नहीं करवा सकते। इन जगहों से जो है ना आप डिस्काउंट करवा सकते हो, और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको चीज़ों की पहचान हो, आप अच्छी चीज़ें बाय कर सकते हो, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इस तरह के सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, आप यहाँ से भी चीज़ें बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको इस तरह की शूज़ की और चप्पल वगैरह की भी काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाती हैं, जहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है आपको 20 रियाल 25 रियाल 30 रियाल 35 रियाल में बहुत अच्छे से जो है ना कंफर्टेबल से शूज़ मिल जाते हैं, चप्पल मिल जाती हैं आपको यहाँ पे इस तरह की। देखिए पम्पीज वगैरह आपको मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे सबसे बहुत ही प्यारा और बेस्ट शूज़ लगे हैं ना, मतलब शूज़ कह सकते हैं इनको, सैंडल कह लें आप, मुझे ये जो है ना ये बहुत अच्छे लगे हैं। इस तरह के इनकी शेप देख लीजिए। बाकी ये वाले जो है ना ये 35 रियाल में, तो ये बहुत ही प्यारा, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों, बस सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप लोग यहाँ से आके इस तरह की ये सारे सैंडल वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, इनकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, आपको 35 रियाल में जो है ना ये मिल जाएंगे। थोड़ी सी अगर आप लोग और बार्गेनिंग करेंगे तो ये और भी कम कर देंगे। बाकी यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह के स्टॉल्स वगैरह हैं, यहाँ से भी आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे इस तरह की आपको परफ्यूम्स वगैरह मिल जाएंगी, घड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, मतलब काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप लोग बहुत अच्छा सामान बाय कर सकते हो। इसके अलावा जी ये वाली जो शॉप थी ना ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे इतने प्यारे हैंडबैग थे। अगर आप लोगों को ब्रांड के नहीं चाहिए बट ये है कि अच्छी क्वालिटी के चाहिए तो आप लोग इस मार्केट में लाजमी विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही प्यारे बैग्स हैं। अब ये वाला जो है ना ये आपको मिल जाएगा 35 रियाल में। थोड़ा सा आप लोग इनको कम का बोलेंगे तो ये कम भी कर देंगे। मैंने इनसे बात की थी कि मुझे दो बैग्स चाहिए, तो उसमें इन्होंने कहा था कि ये मुझे डिस्काउंट देंगे। बाकी ये वाले बैग की डिज़ाइनिंग देख लीजिए, और भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे जो है ना ये लोकल मार्केट बहुत अच्छी लगी, हम लोगों ने काफ़ी सारा यहाँ से सामान भी बाय किया। खैर यहाँ पर इसका कलर देखें, हालाँकि इस तरह के कलर जो है ना ये आपको लोकल मार्केट से नहीं मिलते, पर यहाँ पर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे कलर्स मिल जाएंगे। मेकअप का काफ़ी सारा सामान जो है ना वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग भी जो है ना लाजमी एक बार अल अरीका सेंटर में विज़िट कीजिएगा। बाकी ये देख लें अगर आप लोग इस तरह की क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, आपको यहाँ से गोल्डन पर्ल भी मिल जाएगी, या जितनी भी ऐसी क्रीम्स वगैरह होती हैं जो कि नहीं अच्छी होती फेस पर लगाने के लिए, बट ये कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लोकेशन जो है हमेशा एक इशू होता है लोकेशन का। तो देखिए मैंने आपको पहले भी मतलब एक दो वीडियो में बताया कि मैं खुद जो है ना जद्दा में नहीं हूँ, तो मुझे रोड्स वगैरह का और इनका नाम इतना सही से नहीं पता। बस ये है कि जो शॉप होती है मैं उसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देखकर जो है ना लोकेशन समझ लिया करें, या फिर जो जैसे मैंने अब आपको बताया कि ये अल अरीका सेंटर है, जब आप लिखेंगे गूगल पे अल अरीका सेंटर लोकेशन तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली शॉप जो है ना यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लड़कों की, जो लोग मुझे कह रहे थे कि आप जेंट्स के कपड़े दिखाएं, तो यहाँ पर जो है ना अल अरीका सेंटर में जितनी भी लड़कों की शॉप्स हैं ना वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वाली जो शर्ट्स वगैरह होती है ना वो मिल जाएंगी 30 रियाल में 35 रियाल में 40 रियाल में 45 रियाल में। तो ये सारी आपको इस वाली मार्केट से मिल सकती हैं। इसके अलावा जी अगर आप लोगों को इस तरह की मैक्सीज वगैरह चाहिए, नाइट सूट्स वगैरह चाहिए, तो ये जितनी भी शॉप है ना ये मैं आगे जाके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जितना भी सामान है ना ये सब आपको 20 रियाल में मिल जाएगा। यहाँ पे और भी लड़कियों की शॉप्स वगैरह हैं तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इस वाली में ये जितना भी सामान ये पड़ा हुआ है, मैक्सीज वगैरह पड़ी हुई, ये सब के सब आपको मिल जाएंगी 20 रियाल में। अरीका सेंटर जो है ना काफ़ी बड़ा है।
यहाँ पर आपको जेंट्स के कपड़ों के भी बहुत ज्यादा जो है ना शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, लेडीज की बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है ना अगर रीजनेबल चीजें लेना चाहते हैं और चाहते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तो आप अल अरीका सेंटर में आ सकते हैं, यहाँ से आपको तकरीबन हर चीज मिल जाती है। तो अब चलते हैं हम लोग अबाया की तरफ, तो यहाँ पे भी काफी सारी अबाया की शॉप्स वगैरह हैं। मुझे जो है ना यहाँ पे इतने खास कुछ अबाए नहीं लगे, बट ठीक है नॉर्मल अगर आप लोग को चाहें तो मिल सकते हैं। मैंने शॉप्स वालों से जब पूछा कि आप मुझे लेटेस्ट अबाए दिखा दे जो आजकल डिजाइन चल रहे हैं, तो वो सब जो है ना इसी तरह के अबाए दिखा रहे थे। काफी सारे इन्होंने मुझे जो है ना ये बटरफ्लाई डिजाइन के वो दिखाए, पर मुझे समझ नहीं आया कि बटरफ्लाई डिजाइन जो है वो दोबारा से चल पड़ा है क्या। अगर आप लोग को इस बारे में पता हो तो मुझे बताइएगा। बाकी ये कि नॉर्मल से अबाए थे यहाँ पे, अगर आप लोगों को लेटेस्ट नहीं चाहिए, डिज़ाइन स्टाइलिश नहीं चाहिए, नॉर्मल से चाहिए तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। प्राइस जो है सबकी अलग अलग है, 40 रियाल में भी आपको मिल जाएंगे, 50 में भी मिल जाएंगे आपको, 100 में भी मिलेगा, 150 में भी है, मतलब कि जिस तरह का भी आप लोग अबाया लेना चाहते हैं यहाँ से मिल जाएंगे। बट ये है कि यहाँ पर जिस तरह के लेटेस्ट अबाए होते हैं ना वो मुझे डिज़ाइन वगैरह यहाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग को लेने हो तो यहाँ पे काफ़ी सारी अबाया के भी शॉप्स हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आगे चलते हैं। अच्छा अबायों वाली शॉप्स में ना थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है, तो उस पर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि ब्लैक होते हैं तो आई थिंक थोड़ी सी वीडियो में ना मसला हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ट्रॉली बैग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा जायनमाज़ वगैरह अगर आप लोग लेकर जाना चाहते हो तो ये भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कैप्स वगैरह मिल जाएंगी, लड़कों के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वाली मार्केट से मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप लोग जायनमाज़, टोपियाँ और इसके अलावा तस्वियाँ वगैरह, इस तरह की लड़कियों के लिए नमाज चादर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इस लोकल मार्केट से मिल जाएंगी। अच्छा यहाँ एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको एक मोबाइल मार्केट भी मिलेगी, जहाँ पे आप लोग मोबाइल की कोई सी भी चीज़ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना ये सारी इस साइड पे मोबाइल मार्केट है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आपको फर्नीचर वगैरह भी मिल जाएगा। अगर आप लोग फर्नीचर वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छा ये चार नंबर था, चार नंबर से हम लोग गए अंदर की तरफ, और बाकी जितनी भी वो मैंने बाकी आपको मार्केट्स दिखाई हैं पहले, वो आपको पाँच नंबर छः नंबर इस साइड से मिलेंगी। बाद में आप लोग मत पूछिएगा कि किस साइड पर थी, ये चार नंबर पर सारा फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर की साइड से जाते हो तो चार से जब आप पाँच की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो सारी मार्केट मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग सारा लोकल सामान बाय कर सकते हैं। तो बस जी आज की ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा ये वाला जो फर्नीचर है ना ये यूज़ में नहीं है, ये सारा जो है ना न्यू फर्नीचर है। अगर आप लोग को चाहिए हो, आपका बजट हो, तो आप लोग यहाँ से ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देती हूँ, ये है अल अरीका सेंटर। यहाँ से अल अरीका सेंटर से आप लोग अंदर जाएंगे, जितना भी ऊपर शेड वगैरह लगे हुए ये सारी मार्केट है, और उससे यहाँ पे बाहर की तरफ निकलेंगे, अंदर से भी आप लोग आ सकते हैं। बाकी ये जो है ना यहाँ से आपको मोबाइल की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सब यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर जो है ना आपको कारपेट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा।